जैसा कि आप सबों को पता है कि जवान मूवी ने हर सेक्टर पर, हर डिपार्टमेंट पर सवाल उठाया, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, हर एक डिपार्टमेंट पर सवाल उठाया और वोटिंग पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया और आपकी उंगली पर भी, जिससे आप वोट देने जाते हैं उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो उसी पर भाजपा के एक प्रवक्ता है गौरव भाटिया, बेचारे बोल पड़े। तो जवान मूवी को लेकर भाजपा प्रवक्ता जो थे गौरव भाटिया, उन्होंने अपने पोस्ट में जवान फिल्म का पोस्टर वो पोस्ट किया और उस पे लिखा कि शाहरुख खान का उसमें शुक्रिया अदा किया और कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखाया है शाहरुख खान ने। तो गौरव भाटिया जी से मेरा सवाल है कि फिल्म में जो किसान का मुद्दा दिखाया गया वो किसके राज में हुआ, किसके राज में? डेटा देखिए, गूगल पर सारे चीजें दी हुई हैं, जाकर गूगल का डेटा चेक कीजिए कि किसके राज में, कांग्रेस और बीजेपी, किसके राज में जो है किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की, किसके राज में किसान जो थे वो आंदोलन पर बैठे, रास्ते पर बैठे, और किसके राज में किसानों ने खुद शहादत दी, किसानों ने सबसे ज्यादा सुसाइड किसके राज में किया, है ना? आपको आपकी कही हुई बातों का जवाब खुद मिल जाएगा। शाहरुख खान ने अपनी मूवी में जो डॉक्टर इरम का किरदार और उसका जो रोल दिखाया है वो किसके राज में हुआ? वो बीजेपी के राज में हुआ, यूपी सरकार ने किया डॉक्टर कफील के साथ, वो डॉक्टर कफील वाला मामला था और ये किसी से छुपा नहीं है, ये पूरी मतलब पूरा ये पूरी एक खुली किताब की तरह है। डॉक्टर कफील का मामला दिखाया गया और ये सारे लोग जानते हैं। तो डॉक्टर कफील का मामला किसके राज में हुआ, कांग्रेस के राज में या बीजेपी के राज में? और आज तक डॉक्टर कफील को इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा किसके राज में, अभी किसका राज है, कांग्रेस या फिर बीजेपी? खुद से सवाल कीजिए और खुद को जवाब दीजिए। जवानों की शहादत, पुलवामा अटैक और जवानों को जो है वो क्या बोला जाए, वो बेकार और घटिया जंग आलूद हथियारों का सप्लाई करना, ये किसके राज में हुआ गौरव भाटिया जी? खुद से सवाल कीजिएगा। वोटिंग वाला मामला जो दिखाया गया शाहरुख खान ने अपनी मूवी में जवान में दिखाई वोटिंग वाला मामला, ईवीएम मशीन का घपला किसके राज में हो रहा है? खुद आपके जो प्रवक्ता, सांसद और बहुत सारे नेताओं ने बोल दिया कि चाहे बटन तुम कहीं पर भी दबाओ लेकिन वोट तो तुमको, मतलब वोट तो वो कमल को ही जाएगा, ये किसके राज में हुआ, हो रहा है किसके राज में, कांग्रेस या फिर बीजेपी? खुद से सवाल कीजिए गौरव भाटिया जी। मूवी में जो दिखाया गया कि बिजनेसमैन और बड़े बड़े कारोबारी जो थे उनके मुनाफे के चक्कर में, और वो कारोबारी और बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो सरकारें चला रहे हैं, वो नेताओं को चला रहे हैं, जो मूवी में दिखाया गया ये किसके राज में हो रहा है? अडानी, अंबानी और पता नहीं कौन कौन नी, जानते हैं ना हा? और बहुत सारे भगोड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कारोबारी जो यहां के पैसे लेकर, भारत के पैसे लेकर, लूट कर, बैंक का कर्जा लेकर भागे हुए भगौड़े, किसके राज में? गौरव भाटिया जी खुद से सवाल कीजिएगा। तो बोलने का मतलब जनता जो है ना कि बेवकूफ नहीं बैठी, खुली आंखों से सारी चीजें देख रही है, जो जवान मूवी ने पूरी तरह से स्पष्ट यानी क्लियरली सब कुछ दिखा दिया और बता दिया। यानी कि मौजूदा सरकार ने अपने कारोबारी और व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्तों को मुनाफा देने के लिए और उनका बिजनेस चलाने के लिए किस तरह से आम जनता की कमर तोड़ी, ये सबके सामने है। किस तरह से आम जनता को लूटा गया, कभी महंगाई के नाम पर तो कभी टैक्स वसूली के नाम पर, हर हाल में जनता ही इससे जो है उसका असर जनता पर ही पड़ा और किसी पर नहीं, ना ही सरकार पर और ना ही बड़े बड़े कारोबारी और बिजनेसमैन पर। मतलब अजीब ही दिमाग के लोग हैं। रोजगार की बात करो तो ये लोग मंदिर मस्जिद की बात ले आते हैं, और एजुकेशन की बात करो तो वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम वगैरह लेकर के आ जाते हैं और देश के भाईचारे को जो है पूरी तरह से खतरे में डाल देते हैं। तो गौरव भाटिया जी खुद अपने से सवाल कीजिएगा, और ये अपने से सवाल करने इसलिए बोला मैंने कि आप खुद अपने आप से तो कम अज कम झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? वो क्या होता है, जमीर होता ना, जमीर, इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोलता। ठीक, तो सवाल आपने खुद किया है, जवाब खुद आप अपने आप को दीजिएगा कि ये सारी चीजें किसके राज्यकाल में हुई, है ना, कांग्रेस या फिर बीजेपी? सवाल आपका और जवाब भी आपका ही। और फिल्म के एंड में जो शाहरुख खान का जो वो वोटिंग वाला और आपकी उंगली के इस्तेमाल वाला जो डायलॉग था उसको जरूर, वो भले ही डायलॉग था, वो फिल्म का एक पार्ट था, एक क्लिप थी, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही जबरदस्त मैसेज था। तो उस मैसेज को ध्यान में रखिएगा जब आप अगली बार वोट देने जाएं। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।